वेलकम स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे बजट के नेचर के बारे में कि बजट का किस तरीके से नेचर, क्या नेचर है बजट का, बजट कैसा होता है, बजट का रोल क्या होता है, एक तरीके से बात करेंगे। बजट एक तरीके से कंटिन्यूस मैनेजरियल प्रोसेस है। ये नेचर है बजट का कि कैसे बजट, क्या होता है बजट के अंदर। एक तरीके से मैनेजमेंट में बहुत टाइम से अगर देखा जाए तो एक बहुत पुराना कंसेप्ट है बजट का कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है ये हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, और बजट जो होता है वो एक डिटेल प्लान देता है मैनेजमेंट को कि किस तरीके से आप अपने एक्शन को, बिजनेस फर्म के वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो एक तरीके से मैनेजमेंट जब कंटिन्यूस है तो बजट भी एक तरीके से कंटिन्यूस है, क्योंकि एक बजट जो बनता है वो हर साल बनता है एक बिज़नेस फर्म के लिए, और एक बजट जब बनता है तो नेक्स्ट बजट वापस इम्प्लीमेंट होता है बाद में। तो बेसिकली नेवर एंडिंग प्रोसेस है बजट। बजट नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, बजट बार बार बनता है और बार बार एग्जीक्यूट होता है। बजट इज़ अ कंटिन्यूस मैनेजर प्रोसेस बिकॉज अ बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ईयर, यानी कि हर साल बनता है। कंटिन्यूस क्यों है? कंप्लीशन ऑफ वन बजट, नेक्स्ट बजट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंट। एक बजट बनने के बाद दूसरा बजट यहाँ पे बनता है। बजट एक टूल है मैनेजमेंट का। जैसे कि बजट में हम प्लानिंग करते हैं, डिटेल प्लान बनाते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, और अलग अलग तरीके से बजट के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ बातें लिखी होती है। रिसोर्सेज का कैसा यूज़ करें, मॉनिटरी यूनिट का कैसा यूज़ करें, फिज़िकल यूनिट का कैसा यूज़ करें, वो सारी बात यहाँ पे बजट में आती है। किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट को काम करना है, किस तरीके से फिज़िकल जो डिपार्टमेंट, फिज़िकल यूनिट वाले डिपार्टमेंट जो है क्वान्टिटी का ध्यान रखते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो प्लानिंग भी करनी पड़ती है उसकी, उसको ऑर्गेनाइजिंग भी करना पड़ता है, और उसका बेसिकली हम डायरेक्टिंग भी करते हैं, तो सारी कंट्रोलिंग भी ज़रूरी होती है। वो सारी बातें यहाँ पे इसके अंदर आती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है बजट है उसका काम क्या है? एक प्लानिंग में हेल्प करना, डिटेल प्लान स्ट्रक्चर देकर, ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करना, कंट्रोलिंग में हेल्प करना, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को बनाना। सो एक दस बजट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजमेंट। बजट को इसलिए इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। इट ऑल्सो हेल्प टू चेक दैन एंड इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बजट फोरकास्टिंग एक टूल होता है जिसके कारण डिपार्टमेंट अपने परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट और चेक करता है। तो बेसिकली बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का। बजट इज़ अ टेक्निक, दैट इज़ अ ट्रू। बजट को टेक्निक कहते हैं क्योंकि बजट दैट इज़ अ प्रिपेयर फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। हर एक्टिविटीज़ के लिए बनता है बजट, और जैसे जैसे डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट के लिए बनता है, अलग अलग टेक्निक से बनता है। तो एक तरीके से बजट एक इंस्ट्रूमेंट है मैनेजमेंट का जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करता है। एक टेक्निक है जो बिज़नेस एक्टिविटी उसके द्वारा ही कैरी होती है, यानी कि पहले से ही बनाकर उसके द्वारा बिज़नेस एक्टिविटी चलती है और सारी बिज़नेस एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है। बजट एक स्टैंडर्ड है, जो भी बजट बनता है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनता है, और जो जो चेंजेस आते हैं वो सारे बजट के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। तो डेविएशन भी है इनमें, चेंजेस भी आते हैं, और बजट एक बजट स्टैंडर्ड यानी कि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बजट बनते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। सो ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर मेजर्ड एज पर बजट स्टैंडर्ड एंड डेविएशन विच आर करेक्टेड। देखा जाए बजट एक स्पेसिफिक परफॉर्मा है, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट एक इंडेक्स है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ को कब कब करना है, कैसे करना है, फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल टर्म में, मॉनिटरी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, स्टोर, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे एक फॉर्मेट में आती है। तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मा बिक के नाम से भी जाना जाता है। सो बजट जो बनता है बेसिकली एक फॉर्मेट में बनता है, ये बात एक इंपॉर्टेंट है। इसकी दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल टर्म के लिए बनता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक स्पेसिफिक परफॉर्मा में बनता है। बजट हमेशा प्लान को जोड़ के रखता है, जैसे कि इस पॉइंट कि बजट जो होता है वो हमेशा इंटीग्रेट करता है, प्लान जो बनाए गए थे उनको कोऑर्डिनेट करता है, जोड़ता है, जो जो सोचा है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। एक्टिविटीज़ में, बिज़नेस डिपार्टमेंट में, बिज़नेस के जो
वर्क है मैनेजमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। सो बजट अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, एक तरीके से बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करता है, प्लान को इंटीग्रेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बजट एक प्लान को इंटीग्रेट करता है, कम्युनिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करता है डिपार्टमेंट को एक दूसरे से, क्योंकि प्रॉपरली अगर हर डिपार्टमेंट अपना बजट तैयार रखेगा तो कम्युनिकेट करके अपने बारे में बताएगा और सामने वाले की जो मिस्टेक्स हैं उनको बताएगा, डिपार्टमेंट की जो मिस्टेक्स हैं उनको ख़त्म करेगा, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर पाएगा एज अ स्टैंडर्ड। तो बजट का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रह जाता है कि बजट जो हो है वो हर लेवल, हर डिपार्टमेंट के हेड और उनको एम्प्लॉयज़, जो उनके एम्प्लॉयज़ होता है उनमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो बेसिकली नेचर है बजट का, जो कि हमने बात करी कि बजट एक टूल है मैनेजमेंट का, बजट कंटिन्यूस प्रोसेस है, बजट टेक्निक है, बजट स्टैंडर्ड है, बजट परफॉर्मा है, बजट प्लान इंटीग्रेट करता है, ये सारी बातें हमारे बजट में आती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी बजट के नेचर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बजट के और भी ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।